यहाँ पे आज इस वीडियो में 2023 मॉडल के टी एम 125 ड्यूक का कंपैरिजन यामा MT 15 वर्जन 2.0 से करने वाले हैं, क्योंकि दोनों बाइक काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट में मिल जाती है। दोनों ही अलग अलग सेगमेंट की हैं, लेकिन फिर भी प्राइस में आपको ड्यूक थोड़ी सी महंगी आपको मिलती है। क्यों महंगी मिलती है इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसके अलावा किसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, कौन सा आपके बजट रेंज के अंदर आ सकती है, ये भी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि अगर आप इतने महंगे बाइक परचेस कर रहे हैं तो कौन सा आपको लेना चाहिए, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों बाइक्स में कन्फ्यूज हैं कि इसको लेना चाहिए तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। KTM Duke 125 में आपको टोटल दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और सेरेमिक व्हाइट शामिल है, जिसमें से इसमें आपको नया कलर ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक कलर ऑप्शन में जो इसका व्हील है वो आपको ऑरेंज कलर के साथ मिल जाती है। तो ये MT 15 लेते हैं तो इसमें आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें से 4 स्टैंडर्ड कलर हैं, मेटेलिक ब्लैक, आइस ब्लू वर्मिलियन, कियान स्ट्रोम और रेसिंग ब्लू शामिल है। तो इसका मोटो जीपी एडिशन भी मिल जाता है। तो ज्यादा कलर ऑप्शन आपको MT 15 में जरूर मिल जाती है। बाकी डिजाइनिंग की बात करें तो MT 15 आपको ज्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि इसका लुक काफी बेहतर है। सबसे पहले ड्यूक 125 का आप लुक देख सकते हैं, काफी शार्प डिजाइनिंग का हेडलैम्प स्प्लिट LED DRLs के साथ देखने को मिल जाती है। फ्रंट में जो फेंडर दिया गया है वहाँ पे आपको मैट और ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाती है, कलर्ड व्हील देखने को मिल जाती है। इसके अलावा साइड में नया ग्राफिक्स ड्यूक की मिल जाती है। और इसकी जो टैंक के ऊपर आप देख रहे हैं जो व्हाइट वाला पार्ट, ये फाइबर का बना हुआ है और काफी मजबूत ही है। स्प्लिट सीट मिल जाती है और यहाँ पे ज्यादातर पार्ट ब्लैक के दिए गए हैं। अंडरबेली एग्जॉस्ट सिस्टम मिल जाता है। तो इसके पीछे आपको रियर हगर भी मिल जाता है और इसकी टेलरिंग डिजाइनिंग भी स्टाइलिश मिल जाती है। तो कुछ इस तरह के लुक के साथ आपको ड्यूक 125 मिल जाती है। इसकी डिजाइनिंग भी आपको पसंद आ सकती है। वही MT 15 का लुक आप देख ही रहे हैं, इसकी जो हेडलैम्प की डिजाइनिंग है इसीलिए ये बाइक ज्यादा पॉपुलर भी है, जहाँ पे आपको सिंगल यूनिट हेडलैम्प मिल जाता है और यहाँ पे आपको पायलट लैम्प भी देखने को मिल जाती है। फ्रंट सस्पेंशन गोल्डन रंग दी गई है। इसके अलावा इसमें भी आपको कलर्ड व्हील का ऑप्शन मिल जाता है। साइड से इसका टैंक डिजाइन देख सकते हैं, काफी मस्कुलर है, लेकिन इसमें आपको एग्जॉस्ट साइड में मिल जाते हैं। नीचे इंजन कॉइल भी लगा हुआ है, ब्लैक कलर का इंजन मिल जाता है। सिंगल पीस यूनिलेवल की सीट मिल जाती है, थोड़ी सी छोटी जरूर है लेकिन इसके लुक के लिए दी गई है। रियर हगर इसमें भी लगा हुआ है, इसकी टेल लैम्प की डिजाइनिंग भी आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के लुक के साथ MT 15 मिल जाती है। तो लुक वाइज जो आपको बेहतर लगे उसको आप ले सकते हैं। बाकी बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो KTM 125 की बिल्ड क्वालिटी काफी बेहतर है, काफी मजबूत, इसमें फाइबर का भी इस्तेमाल किया गया है, तो लुक यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इंजन की बात करें कि कौन सा ज्यादा आपको पावरफुल मिल जाती है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग सेगमेंट की दोनों की है तो अलग अलग पावर देखने को मिलेगी। KTM 125 ड्यूक में 124.7 सीसी का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड फ्यूलाइजेशन इंजन दी गई है। तो MT 15 में 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4-स्ट्रोक 4-वाल्व फ्यूलाइजेशन इंजन मिल जाती है। ड्यूक 125 का जो इंजन है 9,250 RPM पर 14.5 PS का पावर, जबकि 8,000 RPM पर 12 NM की टॉर्क जनरेट करती है। MT 15 का जो इंजन है 10,000 RPM पर 18.4 PS का पावर, जबकि 7,500 RPM पर 14.1 NM की टॉर्क जनरेट करती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि दोनों आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिल जाती है। ड्यूक 125 सीसी सेगमेंट में भी आती है, फिर भी इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है, तो ज़्यादा बढ़िया चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों के पावर फिगर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे MT 15 ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ मिल जाती है, क्योंकि ये 155 सीसी में आती है और वह 125 सीसी में आती है। तो इंजन में तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही। बात करते हैं सस्पेंशन सेटअप की, तो ड्यूक 125 में फ्रंट के साइड WP USD फॉर्क दिया गया है और रियर में आपको मोनोशॉक 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाती है। तो 125 सीसी में आपको अपसाइड डाउन फॉर्क भी मिल जा रहा है KTM ड्यूक में। बाकी MT 15 के फ्रंट में USD फॉर्क जो कि गोल्डन कलर दी गई है और रियर में मोनो क्रॉस सस्पेंशन लगा हुआ है। तो सस्पेंशन सेटअप आपको लगभग सिमिलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, लेकिन 125 सीसी में आपको USD फॉर्क मिल जा रहा है, वो चीजें ज्यादा बेहतर आपको देखने को मिल जा रही है। बाकी टायरों ब्रेक्स की अगर बात करें तो ड्यूक 125 में फ्रंट के साइड 110/70 का 17 इंच रेडियल टायर दिया गया है जो कि ट्यूबलेस है, तो रियर में 150/60 का 17 इंच का रेडियल ट्यूबलेस टायर मिल जाती है। तो काफी चौड़े टायर्स आपको रियर में भी देखने को मिल जाती है। तो MT 15 के फ्रंट में 100/80 का 17 इंच और रियर में 140/70 का 17 इंच का ट्यूबलेस टायर लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको काफी चौड़े टायर्स यहाँ पे KTM 125 ड्यूक में देखने को मिल जाती है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो ड्यूक 125 में फ्रंट के साइड 300mm का डिस्प्ले और रियर में 230mm का डिस्प्ले लगा हुआ है। MT 15 के फ्रंट में 282mm का डिस्प्ले और रियर में 220mm का डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको ड्यूक 125 में बेहतर मिल जाती है। तो ये भी सारे रीजन है ड्यूक 125 का महंगा होने का। आगे आपके और भी रीजन बताएंगे क्यों ड्यूक 125 महंगी आपको मिल रही है, क्योंकि ड्यूक 125 में सिंगल चैनल का ABS दिया गया है जो कि 125 सीसी में आपको देखने को मिल जा रही है। तो यहाँ हमारे MT 15 में भी सिंगल चैनल का ABS दिया गया है। ड्यूक 125 में आपको हेलोजन हेडलैम्प के साथ LED स्प्लिट डिजाइनिंग की
डीआरएस देखने को मिल जाती है। MT15 में आपको बाई फंक्शनल एलईडी हेडलैम्प सेक्शन देखने को मिल जाती है। यूक 125 में आपको एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, ये TFT नहीं है। बाकी इसमें आपको गियर पोजीशन एंड शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रिप स्पीड, क्लॉक, फ्यूल, ऑडोमीटर सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। साइड स्टैंड इंडिकेटर यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ABS लाइट मिल जाती है और भी कई सारे आपको इंडिकेटर लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप MT15 लेते हैं तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल नेगेटिव डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। यहाँ पे गियर पोजीशन एंड शिफ्ट इंडिकेटर, स्पीड, फ्यूल, ऑडोमीटर, ट्रिप, बैटरी, ईमेल, SMS, कॉल अलर्ट, ऐप के जरिए कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्प्ले में इन्फॉर्मेशन है वो आपको बेहतर MT15 मिल जाती है, क्योंकि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आती है। तो आपको यहाँ पे अंतर देखने को मिल जाएगा, इस मामले में MT15 बेहतर है। बाकी ड्यूक 125 में इंजन किल स्विच दिया गया है और आपको MT15 में इंजन किल स्विच मिल जाती है। ड्यूक 125 में इंजन काउल लगा हुआ है, जो कि MT15 में इंजन काउल देखने को मिल जाती है। ड्यूक 125 में दो लेयर की स्प्लिट सीट दी गई है, जहाँ पे स्प्लिट ग्रेवियर भी मिल जाती है, लेकिन MT15 में आपको यूनि लेवल की सिंगल पीस सीट मिलती है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्रेवियर देखने को मिलता है। तो ये दोनों की जो की है वो आपको टैंक के ऊपर देखने को मिलेगी, तो ये सिमिलरिटीज भी आपको देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों में एडिशन सेंसर भी लगा हुआ है और दोनों में आपको रियर हगर भी देखने को मिल जाती है, जिससे कि बारिश के छींटे वगैरह ना आए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। फीचर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़े से ज़्यादा फीचर्स कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि MT15 में बेहतर दी गई है। बाकी दोनों के माइलेज और टॉप स्पीड की अगर बात करें, लेकिन उससे पहले क्लियर कर दूं, जो भी माइलेज या फिर टॉप स्पीड दूंगा फिक्स नहीं होगा, थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो ड्यूक 125 में जो कंपनी क्लेम करती है लगभग 40 से लेकर 45 KMPL तक क्लेम करती है, 45 तो मिल जाता है। बाकी MT15 लेते हैं तो इसमें भी आपको 40 से 45 KMPL तक माइलेज मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ड्यूक 125 थोड़ी सी बेहतर आपको माइलेज दे सकती है, क्योंकि इसमें कम सीसी का इंजन आपको मिल जाती है। इस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा माइलेज MT15 के मुकाबले में जरूर देखने को मिल जाएगी। लेकिन वहीं टॉप स्पीड की बात करें तो ड्यूक 125 की टॉप स्पीड 120 KMPH तक देखने को मिलती है, लेकिन MT15 की जो टॉप स्पीड है 140 KMPH तक देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पावरफुल मशीन का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको ये स्पीड में देखने को अंतर मिल जाती है। तो वहीं की कुछ डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, तो KTM ड्यूक 125 का जो लेंथ है 1993 mm, V789 mm, हाइट 1083 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 175 mm, सीट हाइट 822 mm, फ्यूल टैंक 13.5 लीटर और इसका जो कर्व वेट है 159 kg तक है। बाकी MT15 का जो लेंथ है 2015 mm, विथ 800 mm, हाइट 1070 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm, सीट हाइट 810 mm, फ्यूल टैंक 10 लीटर, इसका जो कर्व वेट है 139 kg है। बाकी यहाँ पे जो ग्राउंड क्लियरेंस है आपको बेहतर ड्यूक की देखने को मिल जाती है, सीट हाइट MT15 की थोड़ी सी कम है, बाकी आपको यहाँ पे हल्की भी थोड़ी सी MT15 मिल जाती है, तो ये आपको डिफरेंस यहाँ पे मिल जाती है। बाकी बात करते हैं प्राइसिंग की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग से ही आपको बता दिया कि ड्यूक आपको महंगी मिलने वाली है। तो KTM ड्यूक 125 का 2023 में एक्सरूम दिल्ली प्राइस 1,78,041 यानी कि 1,78,041 रुपये तक है। ऑन रोड प्राइस इसकी लगभग 2.04 लाख रुपीज़ यानी 2,04,000 रुपये तक चली जाती है। लेकिन वही MT15 लेते हैं तो इसका जो एक्सरूम प्राइस है मेटेलिक ब्लैक कलर के साथ 1,64,400 यानी कि 1,64,400 रुपये तक है। बाकी के जो तीन कलर ऑप्शन है उसका जो एक्सरूम प्राइस है 1,65,400 यानी कि 1,65,400 रुपये तक है। मोटो जीपी एडिशन 1,000 और महंगी है, 1,66,400 रुपये तक एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। बाकी ऑन रोड प्राइस की बात करें तो मेटेलिक ब्लैक कलर का 1,89,000 रुपीज़ यानी कि 1,89,000 रुपये तक है। बाकी जो मोटो जीपी एडिशन है वो आपको 1,91,000 रुपये के आसपास में देखने को मिल जाती है ऑन रोड। तो यहाँ पे प्राइसिंग में आप बेसिकली डिफरेंस देख सकते हैं। अगर दोनों का ऑन रोड प्राइस अगर आप देखेंगे तो जितना में आपको KTM ड्यूक मिल रहा है 125 cc में, उसके ऑन रोड प्राइस से भी कम प्राइस में आपको MT15 मिल जा रही है, तो आपको प्राइसिंग में डिफरेंस मिल जाता है। अगर आपको 2 लाख से कम के प्राइस में आपको लेना है तो MT15 के साथ भी जा सकते हैं, और ये पावरफुल इंजन के साथ भी आती है, 155 cc इंजन के साथ मिल जाती है। लेकिन अगर आपको KTM ब्रांड के साथ जाना है, KTM का कोई बाइक चलाना है, तो ऐसे में आप 125 ड्यूक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ड्यूक 125 से सस्ती आपको कोई KTM की बाइक आपको इंडियन मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा माइलेज भी आपको बेहतर MT15 के मुकाबले में KTM ड्यूक 125 मिल जाएगी, बिल्ड क्वालिटी आपको बेहतर देखने को मिल जाएगी। तो जितने भी डिफरेंस हैं इन दोनों बाइक से रिलेटेड मैंने आपको बता दिए हैं, आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगती है, या फिर कौन सा आप खरीदने की सोचेंगे, या फिर कौन सा आप यूज़ करते हैं। वैसे तो दोनों अलग अलग सेगमेंट में आती हैं, फिर भी आपको कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, इसका मेन रीजन बस इसके प्राइसिंग को है। तड़प KTM लवर को सब्सक्राइब कर दीजिए।